जल जंगल और जमीन को लेकर एकता परिषद के द्वारा प्रारंभ किए गए जन आंदोलन की पदयात्रा मेला मैदान से रवाना हुई। यात्रा को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में एकता परिषद के संस्थापक और प्रख्यात गांधीवादी विचारक राजगोपाल पीवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रही मेला मैदान से मुरैना के लिए निकले। हजारों की भीड़ से एक समय के लिए गोलिका मंदिर से लेकर मुरैना हाईवे तक जाम हो गया। भूमिहीन आदिवासियों, मजदूरों और किसानों को उनका हक और अधिकार दिलवाने व स्वाभिमान के साथ उन्हें जीने के लिए एकता परिषद द्वारा किया गया जन आंदोलन गुरुवार को मेला मैदान से प्रारंभ हुआ। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मेला मैदान में पहुंचे और सत्याग्रहियों से चर्चा की व उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से निर्मोही और निर्मम हो चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चा पर असफल साबित हो रही है। उन्होंने एकता परिषद के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि अब व्यवस्था में परिवर्तन का समय आ गया है। सरकार गरीबों के हितों की अनदेखी कर रही है और विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा लुटाए जा रही है। इससे पहले मेला मैदान में जैसे ही पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा पहुंचे, वैसे ही एकता परिषद के संस्थापक राजगोपाल पीवी ने उनका स्वागत किया। हजारों सत्याग्रहियों की भीड़ ने जैसे ही मेला मैदान से कूच किया, वैसे ही मेला मैदान से लेकर मुरैना हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया और जो जहां था वहीं थमासा रह गया। एकता परिषद के जन आंदोलन 2018 में अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जो कि आज यहां पर जन आंदोलन 2018 को हरी झंडी दिखाने के लिए आए थे। जो पद यात्रा दिल्ली के लिए कूच किए उसको आज इन्होंने यहां पर हरी झंडी दिखाई है। सिन्हा साहब, आपने अभी अपने भाषण के दौरान कहा कि सरकार निर्मम और निर्मोही हो गई है। आप भी कभी उसी पार्टी का अंग रहे हैं जिस पार्टी की आज सरकार है और आज आप उसे निर्मम और निर्मोही बता रहे हैं। इसलिए तो मैं अलग हो गया जी, इसीलिए मैं अलग हो गया जब मैंने महसूस किया कि सरकार के लोगों में अहंकार भर गया है और गरीबों की मदद करने के बजाय सरकार विशुद्ध रूप से अमीरों की मदद कर रही है और गरीबों की बात सुनने को तैयार नहीं है, निर्मम और निर्मोही हो गई है, तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। बिल्कुल, ये जो मांगे हैं, एकता परिषद की मांगे हैं, इनको आप कितना जायज समझते हैं और व्यवहारिक रूप से ये मांगे कैसे पूरी हो सकती हैं? देखिए, व्यवहारिक रूप से हर मांग पूरी हो सकती है जब इन्हीं की मांग पर, एकता परिषद की मांग पर कुछ साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। उसको भी पास होने के पहले तक लोग समझते थे असंभव है, कैसे हो पाएगा, हो गया, कार्यान्वित हो रहा है। उसी प्रकार जैसे इनकी मुख्य मांग है कि हमको रहने के लिए घर दो और घर का जो पट्टा होता है ज़मीन का वो दो, उसी प्रकार खेती के लिए हमको ज़मीन उपलब्ध कराओ। आप याद करेंगे कि भूदान आंदोलन का भी यही मकसद था। तो समय समय पर इस प्रकार की मांग उठती रही है और कुछ न कुछ इंतज़ाम होता रहा है। आज की सरकार भी कह रही है ना कि हम सब लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे, तो मतभेद तो नहीं है उस पर। किराए पर तो मकान नहीं उपलब्ध कराना है, उसको जो मालिकाना हक है उसको देकर। उसी के साथ बहुत इस देश में ज़मीन पड़ी है जिसको अगर इनके साथ सेटल किया जाए तो हर परिवार को खेती के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा मिल सकता है। सिर्फ माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर। तो अगर मान लीजिए कि केंद्र की सरकार अभी घोषणा करे कि हम एक मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं इनके मांगों पर विचार करने के लिए और जल्द से जल्द अगले सत्र में हम इसके लिए कानून लाएंगे, तो फिर ये लोग शायद मान जाएं। तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सरकार को अपनी मनसा बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और एकता परिषद की सारी मांगें पूरी हो सकती हैं। और एकता परिषद की ये जो पदयात्रा है, हमने अभी देखा कि ये पदयात्रा
गोले के मंदिर तक पहुंच चुकी है और मेला ग्राउंड से अभी भी लगातार सत्याग्रहियों का निकलना जारी है। 25,000 से भी ज़्यादा की संख्या में पूरे देश भर से यहां पर भूमिहीन गरीब आदिवासी लोग आए हैं जो अपने ज़मीन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके हक दिए जाएँ। और उनके हक के समर्थन में यहाँ पर आज पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी आए, जिन्होंने सरकार पर बड़ी ही तीखी टिप्पणियां की, सरकार को निर्मम और निर्मोही बताया। ये भी कहा उन्होंने कि सरकार के पास विज्ञापनों में खर्च करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन गरीबों की मांगें पूरी करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं निकलता है, क्योंकि सरकार की सोच ही नहीं है कि गरीबों की मांगें पूरी की जाएं। एकता परिषद भूमिहीन आदिवासियों और मजदूरों व किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई आज से नहीं वर्षों से लड़ रही है, और इस बार जिस अंदाज में जन आंदोलन शुरू हुआ है उससे इस बार ऐसा लग रहा है कि अब आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। मेला मैदान से 25,000 से अधिक संख्या में एक साथ निकले सत्याग्रहियों ने यह संकेत दे दिए कि आश्वासन बहुत मिल गए, अब जो भी होगा वह लिखित समझौते पर होगा, और जब तक सरकार के प्रतिनिधि आकर कोई लिखित समझौता नहीं करते तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। एकता परिषद के संस्थापक और प्रख्यात गांधीवादी विचारक गोपाल पीवी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आगरा में आकर समझौता किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। भूमिहीन लोगों को पट्टे तो दे दिए गए, पर उनकी जमीनों पर या तो दबंगों ने कब्जा कर लिया या फिर वन विभाग ने उनकी जमीन हथिया ली, और भूमिहीन अपनी फरियाद लेकर शासन प्रशासन से एक बार नहीं बल्कि कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। केंद्र और प्रदेश में बैठी गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए यह आंदोलन छिड़ा गया है, और जब तक भूमिहीनों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू हुआ एकता परिषद का जन आंदोलन 2018, अब ये पदयात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और अभी हमारे साथ एकता परिषद के संस्थापक और इस पदयात्रा के प्रवर्तक पीवी राजगोपाल जी हैं। राजगोपाल जी, आखिरकार आपको पदयात्रा शुरू करनी पड़ी, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, नरेंद्र सिंह तोमर का पत्र आया, लेकिन उसके बाद भी आपको पदयात्रा शुरू करनी पड़ी, क्या कहना चाहेंगे? सी, अभी इसमें बातचीत तो अच्छी रहेगी, कल दिन भर पत्र भी ठीक रहा, लेकिन अभी क्या है कि एक टाइम फ्रेम नहीं है। सी, ये कहना कि हम करेंगे एक अच्छी बात है, और लेकिन ये कहना कि कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, इसके लिए जो संसाधन चाहिए कहाँ से आएगा, कानून कब तक बनेगा, तो कल हमने एक नया कॉल दिया है कि एक सत्र पार्लियामेंट का एक सत्र ऐसा करिए जो सिर्फ गरीबों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हो, क्योंकि आप पार्लियामेंट का इतना सारा सत्र बुला रहे हैं, बेकार की बहुत सारी चीज़ें पास कर रहे हैं, तो आप एक सत्र बुला के गरीबों के मुद्दे पर बात करिए, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहा है, किसान मर रहा है, गरीब लोग भूमि के लिए आंदोलन कर रहा है, जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तब आप एक सत्र बुला के इन मुद्दों पर क्यों बात नहीं कर रहे, और लोगों को, जो लोग आंदोलन में लगे हैं, गोली मारने के बदले, उनको डंडा मारने के बदले, उनके साथ बैठकर इन समस्याओं का हल क्यों नहीं खोज रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में क्यों सोचने के बदले इस देश के गरीबों के पक्ष में, वंचितों के पक्ष में, पीड़ितों के पक्ष में एक बार नजर डालने का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और केंद्र में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन कहीं ना पीपल्स पॉलिटिक्स की बात जयप्रकाश उस समय कहा, जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि जनता डेमोक्रेसी में अगर अपने अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, सरकारों पर दबाव नहीं डालेंगे, पार्टियों पर दबाव नहीं डालेंगे, तो जैसे अभी चल रहा है, साड़ी के दम पर, शराब के दम पर चुनाव जीतेंगे, लोग कुर्सी पकड़ेंगे, कैप्चरिंग पार्लियामेंट जैसा एक जो स्थिति बनी है उससे इसको मुक्त करना जनता की आवश्यकता है। बिल्कुल राजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे ये डिसाइड किया गया है कि मुरैना तक यात्रा ये जाएगी, यदि मुरैना तक भी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या यात्रा आगे दिल्ली तक पहुंच करेगी? अभी ये 2-3 दिन में ये तय होगा, क्योंकि यहाँ हमने ये समझ लिया सरकार क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या करना चाह रहे हैं, और कुछ संतुष्टिजनक प्रगति हुई है, लेकिन इस देश में कांग्रेस का भी तो सरकार है, कर्नाटका में, पंजाब में, वगैरह वगैरह, तो विपक्ष का भी पोजीशन जानना जरूरी है, क्योंकि देश में पूरा एक सरकार नहीं। राहुल गांधी जब मंच पर आएंगे
उनसे भी यही उम्मीद है कि जो कागज़ पर जयराम रमेश ने दस्तखत की है और उसको आगे लेके जा नहीं जा पाए, उस कागज़ को लेके राहुल गांधी का क्या पोजीशन है वो व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो अभी पार्टी का प्रेसिडेंट है और उनको ही तय करना है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेके क्या करना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ थे एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल, जिन्होंने अभी हमें बताया कि ये यात्रा मुरैना तक तो जाएगी ही, हालांकि सरकार की कुछ बातों से, उनकी बातों से लग रहा है कि वो संतुष्ट भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि इस समय राहुल गांधी का जो 6 तारीख को दौरा, मुरैना दौरा होना है और एकता परिषद के कार्यक्रम में राहुल गांधी जो आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर है कि उन्हें मुरैना तक तो ये यात्रा निकालनी ही है, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम फिक्स हो चुका है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज तिवारी के साथ गोपाल गुप्ता, SKS न्यूज़, ग्वालियर।